हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आईआईटी जेई मेंस में है, जेई एडवांस में सिलेबस में ये नहीं है। मतलब ये सिर्फ जेई मेंस का टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही जेई मेंस में। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इजिली आप 4 मार्क स्कोर कर सकते हैं जेई मेंस में। तो इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एनसीईआरटी सफिशियंट है, कहीं और से पढ़ने का जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस में आता ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है जेई एडवांस के। तो इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन तो आप खुद से पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसमें हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, तीन इंपॉर्टेंट एरिया जो केमिस्ट्री का होता है। पहला मेडिसिन, फिर फूड मटेरियल और क्लिंजिंग एजेंट्स के बारे में, मतलब सॉफ्ट डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन, मेडिसिन को ड्रग्स भी बोलते हैं। तो ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। तो ड्रग्स जो है लो मोलिकुलर मासेस का केमिकल होता है, 100 to 500 यू मोलिकुलर मास होता है। दिज इंटरेक्ट विद मैक्रो मोलिकुलर टारगेट्स, तो ड्रग्स जो है वो मैक्रो मोलिकुलर टारगेट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन। तो ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यदि थेराप्यूटिक हो और यूजफुल हो तो इसको मेडिसिन बोलेंगे केमिकल को। अब ये थेराप्यूटिक क्या होता है, तो हेल्पिंग टू क्योर एन इलनेस। तो यदि इलनेस को क्योर करने में केमिकल सहायक हो और यूजफुल भी रहे तो आपका उस केमिकल को मेडिसिन बोलेंगे। एंड आर यूज इन डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और ये यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में भी। अब ये डायग्नोसिस क्या है, तो कौन सा डिजीजेस है इसको आइडेंटिफाई कर लेना, यही आपका डायग्नोसिस कहलाता है। इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन्स। तो जो आपका ड्रग जितना रिकमेंड किया गया उससे ज्यादा आप लीजिएगा तो यही मेडिसिन जो है पोटेंशियल पॉइजन कहा जाता है। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए केमिकल का यूज करना कीमोथेरेपी कहलाता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब किसी भी इलनेस को क्योर करने के लिए केमिकल्स का यूज करना केमोथेरेपी कहलाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे ड्रग्स किस तरह से क्लासिफाई होता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जो है डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है क्योंकि ये होल रेंज बता देता है ड्रग्स अवेलेबल किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए टोटल कौन कौन सा ड्रग्स अवेलेबल है, तो सारा रेंज कवर कर लेता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट, एंटीसेप्टिक्स किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि अनाल्जेसिक्स जो है वो आपका पेन किलिंग इफेक्ट होता है और एंटीसेप्टिक जो है किल या फिर अरेस्ट कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है एंटीसेप्टिक से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तो ड्रग एक्शन के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं ड्रग को। तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन ए पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस में उस ड्रग का क्या एक्शन है इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एंटी हिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन। तो जितना एंटी हिस्टामिन है, तो एंटी हिस्टामिन तो ये हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, विच काउजेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन काउज करता है। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेशन काउज करता है। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन कैन बी ब्लॉक। तो बहुत सारा वे है जिससे कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग सेक्शन 3.2 इसी चैप्टर के 3.2 में पढ़ेंगे। इसके बाद
थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहता है। ड्रग्स क्लासिफाई इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर एंड ऑब्टेन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इस क्लासिफिकेशन में कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर रहता है ड्रग्स में, और देखा गया है कि लगभग केस में सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी रहता है ड्रग्स का। फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर गिवन बिलो। तो सल्फोनामाइड्स का जो है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सल्फोनामाइड, मतलब जितना भी सल्फोनामाइड्स होगा सबका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होगा इसी के जैसा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। तो मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायो मोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ड्रग्स जो है इन सभी बायो मोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के साथ। दीज आर कॉल्ड टारगेट मोलिक्यूल्स। ये सब जो होता है बायो मोलिक्यूल्स इसको टारगेट मोलिक्यूल्स बोलते हैं, और ड्रग्स टारगेट या फिर ड्रग टारगेट भी बोलते हैं। ड्रग पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर मे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट। तो अगर ड्रग्स के पास कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है तो वो जो है सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टारगेट पे शो करता है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे, यही आपका मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन होता है मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। और आपका फर्स्ट वाला जो था वो डॉक्टर के लिए होता है, क्योंकि ये होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल रहता है ट्रीटमेंट के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे डॉक्टर के लिए यूजफुल होता है ये क्लासिफिकेशन, और मॉलिक्यूलर टारगेट मेडिसिनल केमिस्ट के लिए यूजफुल होता है। इसके बाद आपका ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन का मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो वैसा प्रोटीन्स जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल बॉडी में प्ले करता है उसको एंजाइम बोलते हैं। ये तो पिछले चैप्टर में भी बताए थे, बायोमोलिक्यूल्स में भी एंजाइम का डिफिनेशन। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो जो क्रूशियल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में बॉडी के लिए उसको रिसेप्टर्स बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मोलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और कैरियर प्रोटीन जो है वो पोलर मोलिक्यूल को कैरी करता है पूरे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। न्यूक्लिक एसिड्स है कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल, और न्यूक्लिक एसिड के पास कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है सेल के लिए, मतलब कोड के फॉर्म में आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। वी शैल एक्सप्लेन द ड्रग टारगेट इंटरेक्शन विद द एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स एंड रिसेप्टर। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन एंजाइम और रिसेप्टर के एग्जांपल से। तो वही है आपका एंजाइम से ड्रग टारगेट्स। तो ए कैटलिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम का कैटलिस्ट वाला एक्शन क्या है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए ड्रग एंड एन एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डू एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। तो ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एंजाइम कैसे कैटलाइज करता है रिएक्शन को। तो इन देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी एंजाइम सर्व फॉर टू मेजर फंक्शन। तो कैटेलिटिक एक्टिविटी में एंजाइम दो मेजर फंक्शन करता है। पहला है द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सब्सट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो पहला फंक्शन है कि सब्सट्रेट को होल्ड करता है एंजाइम केमिकल रिएक्शन के लिए। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल इन ए सुटेबल पोजीशन। तो एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का वो सब्सट्रेट को होल्ड करता है सुटेबल पोजीशन में, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली, जिससे कि आपका रिएजेंट जो है इफेक्टिवली अटैक कर सकता है। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल काइनेटिक्स में ये आप पढ़े थे कि रिएक्शन होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तो इसलिए इफेक्टिवली रिएजेंट का अटैक होना जरूरी है, तभी आपका रिएक्शन होगा। इसके बाद सब
बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। तो सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड रहता है वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन से, सच एज आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहता है। आपका आयोनिक बॉन्डिंग भी रह सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, वैन डर वाल इंटरेक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो आपके पास देखिए ये इस टाइप का एंजाइम होता है, ये एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, तो इस तरह से एंजाइम जो है होल्ड कर लेता है सबस्ट्रेट को, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद आपका है कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम का सेकेंड फंक्शन होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करे जो कि अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद है आपका ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, तो ड्यूरिंग ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। तो ये सभी जो एक्टिविटीज देखे थे एंजाइम का, ये सभी को ड्रग्स इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। दिस कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है मतलब बाइंडिंग साइट, इसको ब्लॉक कर देता है जिससे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बाइंडिंग नहीं हो पाता है, रोक देता है बाइंडिंग को। और कैन इनहिबिट द कैटेलिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, या फिर बोल सकते हैं कि ये कैटेलिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम का होता है उसको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। इस टाइप के ड्रग्स को एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम के वर्क को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। तो ड्रग्स जो है रोकता है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे दो डिफरेंट वेज में। पहला है कि ड्रग्स कम्पीट करता है नेचुरल सबस्ट्रेट से फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, सच ड्रग्स आर कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो क्या होता है कि आपका ड्रग्स जो है सबस्ट्रेट के सिमिलर होता है। तो देखिए ये जो है सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है और यही जाके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, तो आपका एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है, तो फर्दर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के मतलब एंजाइम के साथ बाइंडिंग नहीं करता है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता है, तो उसी को कंपिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। मतलब ड्रग जो है नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है एक्टिव साइट पे अटैचमेंट के लिए और खुद ही अटैच हो जाता है जो ड्रग्स रहता है, इसी को कंपिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। इसके बाद सेकंड है कि सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। तो कुछ ड्रग्स जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे अटैक नहीं होता, वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैक करता है ये इनहिबिटर जो है। तो क्या होता है कि एक्टिव साइट का शेप ही चेंज हो जाता है, तो आपका शेप चेंज हो गया है तो सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट के लिए तो ये वाला इसी में फिट होगा, तो एक्टिव साइट ऐसा होना चाहिए था, इसलिए आपका एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है, सबस्ट्रेट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है एक्टिव साइट को क्योंकि शेप ही चेंज हो गया है। तो दिस बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर्स एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज। तो इस एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर का अटैक होने से क्या होता है कि चेंज हो जाता है एक्टिव साइट का शेप, जिसको कि आपका सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन एंजाइम एंड एन इनहिबिटर इज ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली, देन द एंजाइम इज ब्लॉक्ड परमानेंटली। और जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, ये यदि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है मतलब इसको हम लोग इजिली यदि ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो एंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं होगा। द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम। तो उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, इसको बॉडी डिग्रेड कर देता है और न्यू एंजाइम फिर से सिंथेसाइज होता है बॉडी में। इसके बाद है आपका रिसेप्टर से ड्रग टारगेट्स। तो रिसेप्टर ड्रग टारगेट्स की तरह किस तरह से यूज में आता है, तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस।
तो रिसेप्टर्स वैसा प्रोटीन होता है जो कि बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर इम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, उसमें से बहुत सारा सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है। रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर इम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच ए वे दैट देयर आर स्मॉल पार्ट पोजेसिंग एक्टिव साइट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस। तो ये सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से इम्बेडेड होता है कि इसका स्मॉल पार्ट जो है एक्टिव साइट पोजेस करता है सरफेस के मेम्ब्रेन पे एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल, और ये ओपन्स होता है आउटसाइड रीजन सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड रीजन पे। ये देखिए आपका एनिमल का सेल है जिसका कि स्मॉल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाया गया है। तो इसमें ये आपका रिसेप्टर प्रोटीन कहलाता है और ये आपका बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर है, ये जो इस तरह से शेप बनाया हुआ है यहीं पे आपका रिसेप्टर का बाइंडिंग होता है। आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, और ये इंटीरियर ऑफ सेल है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है। इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये सेल मेम्ब्रेन को पूरा जूम करके दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। तो बॉडी में जो है मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में कम्युनिकेट होता है सर्टेन केमिकल्स के द्वारा। दीज केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेंजर, और इस केमिकल को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, और ये बाइंडिंग साइट पे रिसीव होता है। ये आपका जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे केमिकल मैसेंजर रिसीव होता है, और मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए शेप ऑफ रिसेप्टर साइट चेंजेस, तो रिसेप्टर साइट का शेप चेंज होता है ताकि ये बाइंड कर सके केमिकल मैसेंजर के द्वारा। तो एकोमोडेट मैसेंजर शेप ऑफ रिसेप्टर साइट चेंजेस, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, जिससे कि मैसेज ट्रांसफर हो जाता है सेल में। दस केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका केमिकल मैसेंजर बिना सेल में इंटर किए मैसेज ट्रांसफर कर देता है सेल को। ये जो है एबीसी डायग्राम इसी तरह से समझा रहा है कि पहले आपका रिसेप्टर रिसीव्ड केमिकल मैसेंजर, तो रिसीव करने के बाद रिसेप्टर अपना शेप चेंज करता है ताकि बाइंड हो सके केमिकल मैसेंजर के साथ। उसके बाद फिर जब मैसेज ट्रांसमिट होके केमिकल मैसेंजर चला जाता है तो फिर से वो अपना स्ट्रक्चर रिगेन कर लेता है आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। तो फिर से देखिए ये शेप रिगेन हो गया, ए और सी का शेप सेम है यहाँ से और यहाँ का, और यहाँ पे ये चेंज हुआ ताकि केमिकल मैसेंजर के साथ बाइंडिंग कर सके। तो वही पॉइंट है, और ये मैसेज ट्रांसफर हो गया सेल में। इसके बाद है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर। तो बहुत लार्ज नंबर में डिफरेंट रिसेप्टर होता है बॉडी में जो कि डिफरेंट केमिकल मैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये रिसेप्टर जो है सेलेक्टिविटी शो करता है वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग शेप हैव साइट्स हैव डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर एंड अमीनो एसिड कंपोजिशन। तो हर एक बाइंडिंग साइट का डिफरेंट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और अमीनो एसिड कंपोजिशन होता है। इस कारण से हर एक बाइंडिंग साइट पे कौन सा केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग करेगा वो सब अलग अलग रहता है, मतलब वो किसी खास के साथ ही बाइंडिंग करता है, उसी को सेलेक्टिविटी बोलते हैं। मतलब किसी खास केमिकल मैसेंजर को सेलेक्ट करता है अपने साथ बाइंड होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी केमिकल मैसेंजर जो है किसी भी सेल को कोई भी मैसेज सेंड करेगा, तो जो जिस काम के लिए जो मैसेज जिसके लिए है उसी पे जाके वो बाइंड करेगा और उसी सेल मेम्ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करेगा। तो ये सेलेक्टिविटी शो करता है आपका रिसेप्टर जो है। ऐसा नहीं कि कोई भी केमिकल मैसेंजर है उससे वो मैसेज रिसेप्ट करके रिसीव कर लेगा मैसेज, तो उसको जो मैसेज रिसीव करना है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप स्ट्रक्चर होता है और वही केमिकल मैसेंजर उसको मैसेज देता है, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो वैसा ड्रग जो कि रिसेप्टर साइट के साथ बाइंडिंग कर ले ताकि रिसेप्टर जो है मैसेज रिसीव ना करे, तो नेचुरल फंक्शन को उसका रोक दिया, इनहिबिट कर दिया इट्स नेचुरल फंक्शन, तो ऐसे ड्रग को एंटागोनिस्ट बोलते हैं। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो ये उस टाइम यूजफुल होता है जब हमको मैसेज को ब्लॉक करना होता है, मतलब किसी सेल मेम्ब्रेन को वो मैसेज ट्रांसफर नहीं होने देना होता है, तो उस टाइम एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं ताकि वो बाइंडिंग साइट पे रिएक्शन कर ले
तो फर्दर केमिकल मैसेंजर जो है वो आपका बाइंडिंग साइट पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, तो ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज हो जाएगा उस टाइम में। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। तो दूसरा टाइप का भी ड्रग्स होता है जो कि मिमिक कॉपी कर देता है नेचुरल मैसेंजर के जैसा बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर पे जाके आपका बाइंड करता है और जो मैसेज देना था केमिकल मैसेंजर को वही मैसेज आपका रिसेप्टर देता है, मतलब सॉरी ड्रग्स देता है। दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट। तो उस टाइप के ड्रग्स को एगोनिस्ट बोलते हैं। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। तो ये ड्रग्स तब यूजफुल होता है जब केमिकल मैसेंजर का कमी हो, मतलब वो मैसेज ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो उस टाइम हम एगोनिस्ट के द्वारा मैसेज को ट्रांसफर करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसके बाद अगले लेक्चर से थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।